इंकलाब टीवी प्राइम टाइम समाचार में आपका स्वागत है। शेखपुरा समाहरणालय की मंथन सभागार में चुनाव की तैयारियों को लेकर महिलाओं को दिया जा रहा है प्रशिक्षण। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला अधिकारी शेखपुरा श्रीमती इनायत खान के आदेश के आलोक में आज दूसरे दिन दोनों सत्रों में महिला मतदान कर्मियों को प्रशिक्षण दिया गया। ईवीएम ईवीएन बाईपैड के संबंध में हैंड्स ऑन प्रशिक्षण दिया गया। कोविड-19 संक्रमण को देखते हुए इस बिहार विधानसभा क्षेत्रों में मतदान केंद्रों की संख्या में करीब 40% वृद्धि हुई है, जिसके लिए मतदान कर्मियों की अत्यधिक आवश्यकता को देखते हुए महिला मतदान कर्मियों को भी प्रशिक्षण दिया जा रहा है। आज करीब 150 से अधिक महिलाओं को प्रशिक्षण दिया गया। प्रशांत शेखर उप निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि शेखपुरा एवं बरबीघा के नगर परिषद क्षेत्रों में प्रत्येक मतदान केंद्रों पर 2 महिलाएं एवं 2 पुरुषों को मतदान कर्मी के रूप में नियुक्त किया जाएगा। टीपीआरओ ने बताया कि इसके अलावा 2 विधानसभा क्षेत्र शेखपुरा एवं बरबीघा में 2-2 मतदान केंद्रों पर केवल और केवल महिला मतदान कर्मियों की प्रतिनियुक्ति की जाएगी। इसके तहत पी ऑफिसर P1, P2, P3 केवल महिला मतदान कर्मियों को ही प्रतिनियुक्ति की जाएगी, जिसके लिए आज विशेष प्रशिक्षण भी दिया गया। मतदान से संबंधित A to Z सभी प्रकार का प्रशिक्षण महिलाओं को दिया गया। मॉक पोल, EVM, पैड मशीन को जोड़ना, किसी भी प्रकार की खामियां आने पर उसका तुरंत समाधान खोजना आदि के संबंध में विस्तृत जानकारी दी गई। प्रशिक्षण में आई सभी महिलाएं काफी उत्साहित थी। इस बिहार विधानसभा आम निर्वाचन 2020 को कोविड-19 के संकट के कारण मतदान केंद्रों के लिए मतदान कर्मियों को 2 स्थलों से भेजा जाएगा। शेखपुरा विधानसभा के लिए RD कॉलेज शेखपुरा एवं बरबीघा विधानसभा क्षेत्र के लिए श्रीकृष्ण कॉलेज शेखपुरा से भेजा जाएगा। इसके अलावा सेक्टर दंडाधिकारी PCP जवाहर नवोदय विद्यालय शेखपुरा से भेजे जाएंगे। EVM VVPAT मशीन का संग्रह स्थल भी जवाहर नवोदय विद्यालय शेखपुरा होगा। दोनों विधानसभाओं की मतगणना भी जवाहर नवोदय विद्यालय में ही की जाएगी, जिसके लिए सभी प्रकार की आवश्यक तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया गया है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी श्रीमती इनायत खान के द्वारा इस संबंध में सभी वरीय अधिकारी, नोडल अधिकारी एवं दोनों निर्वाचन अधिकारियों को कई आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करना मत भूलिए।